दोस्तों 20,000 तक का पर्सनल लोन लेने के लिए ना तो आपका सिबिल स्कोर चेक होगा और ना ही आपका इनकम प्रूफ, ना ही बैंक स्टेटमेंट। और मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि ये बिल्कुल नया लोन कंपनी है, इस कंपनी से आपने ट्राई नहीं किया है। तो अगर आप बहुत सारे लोन कंपनी पर ट्राई करके थक गए हैं और आपको सच में पैसे की ज़रूरत है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए बस 2 से 3 मिनट का आपको प्रोसेस करना होगा। 1,000 से लेकर 20,000 तक का पर्सनल लोन घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ले सकते हो। तो कैसे करके अप्लाई करना है उसका कुछ प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा और क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है, कितना डाउनलोड है और एप्लीकेशन का रिव्यू रेटिंग, हर एक चीज़ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को बेलाव करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो बहुत जो हमारे जो सब्सक्राइबर हुए हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि भैया हमारे पास तो इनकम प्रूफ नहीं है, और इनकम प्रूफ अगर आपके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको भी पता होगा कि जल्दी से लोन मिल पाना मुश्किल होता है। लेकिन हम ऐसा कंपनी में अगर ट्राई करें जिसमें इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और ITR का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका डिमांड ही ना हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होगा और आपको लोन मिल जाएगा। तो ऐसा एप्लीकेशन के बारे में मैं ही आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे अपना मोबाइल स्क्रीन जो है वो आप लोगों के सामने यहां पे अलाउ कर देता हूं, ठीक है। तो मोबाइल स्क्रीन जैसे कि मैंने आप लोगों को यहां पे अलाउ कर दिया तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि 20,000 का लोन ऑफर हमारे सामने है। सिंपल सा अगर मैं यहां पे अप्लाई करना चाहूं तो इसको मैं अप्लाई कर सकता हूं, और अप्लाई करने के लिए हमें ज़्यादा यहां पर डॉक्यूमेंट्स का डिमांड भी नहीं किया गया है। सिंपल सा स्क्रीन पे जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पे पूछा जा रहा है कि भैया आपको सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर यहाँ पर आधार कार्ड का आपको फोटो देना है, पैन कार्ड का फोटो देना है और बैंक अकाउंट का नंबर देना है, किसी भी प्रकार की बैंक स्टेटमेंट, ITR, यहाँ तक कि सिबिल स्कोर का भी डिमांड नहीं किया गया है, ठीक है। तो और क्या करना है, सिंपल सा जो आधार कार्ड होता है उसका जो फ्रंट साइड का जो फोटो होता है उसको आपको खींचना है और अपलोड कर देना है, या तो फिर अगर आपके गैलरी में है तो वहां से भी आप अपलोड कर सकते हो, साइड वाला भी कुछ इस प्रकार से आपको कर देना है। पैन कार्ड का फोटो आपको अपलोड करना है, बैंक का जो पासबुक होता है उसमें कुछ डिटेल्स होता है जैसे कि कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है, आपका IFSC कोड क्या है, आपका ब्रांच कौन सा है, इन सब डिटेल्स को आप डाल के सबमिट कीजिएगा और आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि इस कंपनी में अगर आप मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो कितना इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी है, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं बता दूँ कि ये जो कंपनी है इसका रेटिंग है प्ले स्टोर पर 4.4 का, ठीक है, रेटिंग है 4.4 का, डाउनलोड है 5 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये कंपनी RBI NBFC से लाइसेंस प्राप्त कंपनी है या नहीं है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे साफ साफ लिखा हुआ है कंपनी के बारे में कि भैया हमारा जो कंपनी है वो RBI से लाइसेंस प्राप्त कंपनी है और ये कंपनी मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 20,000 तक का पर्सनल लोन ऑफर करता है, जिसके लिए जो मिनिमम आपको जो समय मिलता है लोन रिपेमेंट करने का वो 91 दिन का और मैक्सिमम यहाँ पर 365 दिन का। और इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम तो नहीं बताया गया लेकिन मैक्सिमम बताया गया कि 35% यहाँ पर ज़्यादा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जिसमें के बारे में एग्जांपल करके यहाँ पे कंपनी ने बताया कि अगर आप 6,000 का लोन लेते हैं और मान लेते हैं कि 25% पर एनम के हिसाब से मिला, 120 दिन के लिए आपको ये लोन मिला, तो 6,000 का यहाँ पर 25% ये सारा चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया, यानी कि 6,000 का लोन अगर आप लेते हैं तो 6,611 रुपया का यहाँ पर आपको रिपेमेंट करना होगा अगर आप 120 दिन के लिए लेते हैं तो, जिसमें इनका प्रोसेसिंग चार्ज कटता है, GST कटता है, ये सारा यहाँ पर बताया गया। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे देखिए अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका एज लिमिट 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास वैलिड जो है डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में कंपनी ने साफ साफ बताया कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में पैन और आधार कार्ड के अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स का डिमांड नहीं किया जाता, बस इन्हीं दो डॉक्यूमेंट से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको पैसे की दरकार है तो इस एप्लीकेशन से ट्राई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम हो जाता है पे रूपी इंस्टेंट पर्सनल लोन, ठीक है। और अगर रिव्यू की बात करें तो रिव्यू अच्छा खासा है, कुछ लोगों ने एप्लीकेशन को अच्छा बताया तो कुछ लोगों ने खराब बताया, फिर भी अगर आप अपने हिसाब से
लोन लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाद बाकी अगर मेरा फेवरेट एप्लीकेशन की बात करें जिससे कि मैं पर्सनल लोन लेते रहता हूं, तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा, जिसमें मैंने एक माय फेवरेट एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया हूं, जिस एप्लीकेशन से मैं पर्सनल लोन लेता हूं, और लोन लेने के लिए उसमें भी इनकम प्रूफ नहीं लगता है और बड़ा ही आसान प्रोसेस से लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ना ही मैं इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा हूं। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, सही जानकारी देना।